पियाजो वो उधर है, नहीं है, नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारी बहन, आप कल आई थी जी, क्या मसला है? जी ये मसला है मेरा कि मेरा मियाँ ड्राइवरी करता है। हाँ। का मकान है, 5,000 रुपए किराया भरते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं मेरे। किधर हैं बच्चे? बच्चे काम सीखते हैं, वेल्डिंग का एक पढ़ता है। अच्छा, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? ये साथ वालों का एक बोला है, उसकी आवाज़ बोला है। माँ क्या करती है उसकी? ये खेस बेचते हैं। खेस बेचते हैं, इनका घर अपना है। अच्छा, तो यहाँ कब से रह रहे हैं आप किराए पे? मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। बच्चे छोटे हैं आपके? छोटे हैं बच्चे, बेटे छोटे हैं ना। अच्छा, इसीलिए। मियाँ क्या ड्राइवरी करते हैं? इस घर में कितनी फैमिलियाँ रहती हैं? 2 फैमिली रहती हैं हम। और आपका कमरा कौन सा है? ये सामने वाला। दिखाएं, ये मियाँ है आपके? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भैया आपका? गुलाम मोहम्मद। भाई आप जो ड्राइवरी करते हैं उनमें गुजारा नहीं होता? नहीं होता, कभी हो जाता है हफ्ता, कोई चंगा लग जाता है, कोई मंदा लग जाता है। अभी तो मंदा लग रहा है। अच्छा। हाँ। अभी काम नहीं चल रहा? अभी नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये 5,000 रुपए किराया आप देते हैं? इतना गहरा कमरा है, गहरे कमरे की वजह से तो 5,000। इसकी वजह से ना मेरे घुटनों में तकलीफ रहती है। हाँ हाँ जी, नीचे नहीं उतरा जाता, ऐसे ही है। हाँ जी। नाम क्या बताया आपने अपना? फरजाना। फरजाना, ये कमरा वो किसका है? हाँ, ये वो दूसरे जो रहते हैं ना, दूसरी फैमिली का है। अच्छा, ये हमारे पास है, मेरे 5 बच्चे हैं और हम 2 मियां बीवी। हाँ, तो ये 3-4 पाई हैं। 3-4 पाइयों पे सोते हैं आप? एक दो हाँ, 4 पाइयों। वो अंदर पेटी नहीं है, देखे अंदर पड़े हुए कपड़े ऐसे 4 पाई पे पड़े हुए हैं। पेटी नहीं है आपकी? आपको पेटी की जरूरत है? पेटी और बेटी ने काम सीखा हुआ है दर्जियों का। अच्छा, वो अभी फिलहाल ना नानी के घर गई है, उधर भी काम करती है बेचारी। हाँ, गुजार नहीं हो रहा ना। हाँ। इसी वजह से वो गई हुई है मेहनत मजदूरी करने के लिए। अच्छा, तो उसको सिलाई सिखाई थी, मशीन नहीं ले सके, तो बच्ची वहाँ पे सिलाई करती है? सिलाई नहीं करती, वो एक सेल की दुकान है वहाँ पे काम कर रही है। वहाँ पे काम कर रही है। तो अगर उस बच्ची को सिलाई मशीन ले दी जाए तो फिर वो घर वापस आ जाएगी? हाँ जी, करेगी। अच्छी सिलाई कर लेती है? बहुत अच्छी करती है वो, इतनी अच्छी मास्टर हो गई है, टेलर मास्टर। अच्छा, तो आपको मशीन ले दे तो बेहतरी आएगी घर में। और बकाया जो छोटे बच्चे हैं वो किधर हैं? वो वेल्डिंग का काम सीखते हैं। काम सीख रहे हैं जी? अभी सीख रहे हैं, अभी छोटे हैं ना, छोटे छोटे हैं। ये इतना गहरा कमरा है और इस गहरे से कमरे का जो है ये किराया चढ़ चुका है हमारे ऊपर। हाँ। वो मालिक मकान आते हैं, वो हमारा पूरा मोहल्ला सुन रहा होता है हमारी, जो वो हमारे साथ करके जाते हैं ना। इतने गहरे कमरे का इतना ज्यादा किराया लेते हैं। और किचन भी आपने अंदर ही सेट किया हुआ है, ऐसे ही है? उधर का किचन उनके पास है। अच्छा, ये मेरे पास है, ये हमारा किचन है, ये आटा, ये सामने साया ना, उन्होंने परसों लेके दिया था। अच्छा, कि हमारे घर में नहीं था ना, तो उन्होंने अलतरसी करके फिर लेके चले। अच्छी बात है कि इस दुनिया में अभी भी लोग हैं जो किसी पे रहम खाते हैं, और रहम ही खाना चाहिए। इंसान इंसानियत के नाते एक दूसरे बहन भाई के काम आना चाहिए। जिस तरह ये हमारी बहन है, हकदार है, फर्ज करें अगर हम इनकी मदद कर देंगे तो हमारे रिज्क में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हमारे रिज्क में और ज़्यादा बरकत होगी। और मैंने आजमाया है कई मरतबा, और देने से बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक बरकत डालता है, बहुत ज़्यादा डालता है। और इस बहन को है एक पेटी की ज़रूरत है, और इनकी एक दो चार पाइयाँ और हों, इसके अलावा इनको एक पेटी की ज़रूरत है। पेटी मतलब जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, तो वो इनके पास नहीं है। मैं किसी की वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आई थी, एक मुस्तहिक फैमिली की, वहीं पे ये मुझे मिली थी, और बार बार इसरार करके मुझे अपने घर लेके आई हैं कि आप ही आप हमारे घर चलें और हमारा घर देखें। क्योंकि मैं इस टाइम एक फैमिली की मदद कर चुकी हूँ, तो इसलिए माजरत के साथ कि आपको फ़िलहाल मैं कुछ नहीं दे सकी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो, और नहीं तो आपके लिए सिलाई मशीन का इंतज़ाम इंशाल्लाह लाजमी कर दूँगी। ज़हरी बात है, इनकी जवान बची है और इन्होंने मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ से कहाँ भेजा हुआ है? लाहौर गई हुई है। लाहौर, अपनी जवान बच्ची को इन्होंने लाहौर भेजा हुआ है, वहाँ पे वो काम करती है। तो अगर उसको सिलाई मशीन मिल जाए ना, तो वो फिर घर से बेघर नहीं होगी, अपनी वालदा के साथ घर में बैठ के इज्जत के साथ रिज्क कमाएगी। ज़ाहरी बात है आजकल के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को अपने शहर से कहीं भी भेजें, यहाँ तक कि हम गली में भी उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो इंशाल्लाह ताला आपकी सिलाई मशीन मिल जाएगी आपको, आपने नमाज पढ़ के दुआ करनी है, ठीक है? तो फिर आ जाएगी ना इंशाल्लाह आपकी बेटी, इधर ही होगी, मैं मिलूंगी फिर उनसे, आपको मिलेगी। चलिए इंशाल्लाह ताला, ठीक है।
अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगी आपको ना सिलाई मशीन ले दूँगी। हाँ जी, आप ड्राइवरी के अलावा कोई और काम कर सकते हैं? कर को नहीं सकता ना, मजदूरी कर नहीं सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। आ, बस ड्राइवरी कर सकते हूं। पहले ड्राइवरी करवे ना कमाना हमी रले। अच्छा। उन मशीन ही दौर आ गए। हाँ। उन जे देवन जो मशीन आ गए, मशीन बा देने मशीन बा देने बस 100 रुपया। गुर्दे चेक नहीं करवाया आपने? बस एक दो दफा कराया है, बस नॉर्मल है। अच्छा, दर्द कभी कभी हो जाता है, लगवा लेते हैं। हाँ। फिर आराम आ जाता है, फिर वो कहते इतना ज्यादा भी इतना मसला नहीं है। हाँ। सही, कम है, लेकिन बस वो गुर्दे का दर्द जो है ना वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। अल्लाह पाक आसानी करे इस फैमिली पे, दुआ कीजिएगा इनके लिए, अल्लाह पाक इन पे आसानी करे। इनकी जो बच्ची घर से बेघर हो गई है, रोजी रोजी की वजह से जहरी बात है, तो उनको हम सिलाई मशीन लेके देंगे इंशाल्लाह, ताकि वो घर बैठ के इज्जत के साथ अपनी रोजी कमाए इंशाल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे साथ हेल्प करवाएं, आपकी बच्ची को ले आई हूँ मैं। अच्छा, ऐसे समझ लें लाहौर से आपकी बच्ची आ गई है, मैं भी साथ उठवाती हूँ, वजनी है। शुक्र है, हमारी कोशिश होती है कि चीज लेके दें तो अच्छी ले के। मैं तो इतनी परेशान थी, मेरी बेटी उधर लाहौर में है। हाँ। आपको पता है आजकल जो माहौल चल रहा है। अब बच्ची आ गई है ना आपकी। हाँ, अब आपने उसको ले आना है। हो गया ईमान से, बहुत खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुश रखे मुझे। कैसे कटेगी मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। इस बहन के पास जो है ना छुरी भी नहीं है, ये देखे आप इनकी हालत। आपने बहुत बड़ा कर दिया है, कोई मेहरबानी कोई एहसान नहीं है, हमारा फर्ज है। ये देखें, ये है मोटर, ठीक है, मोटर वाली मशीन लेके आई हूँ ताकि ज्यादा जल्दी कपड़े सी लेंगे तो ज्यादा बेहतर हालात होंगे। ये मोटर है, अच्छे वाली मोटर लेके आई हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये है कैंची, सही है, ये कैंची है, ठीक। और ये आपकी है मशीन, ये देखिए, ये है मशीन। कोशिश की है कि हर चीज़ जो है वो अच्छी हो, अच्छी से अच्छी लेके आए, ठीक है। अब आप अपनी बेटी को बुलवा लीजिए और उनको लगा के दीजिए मोटर, ताकि वो जो है ना घर बैठ के आसानी से जो है ना फिट करवा लीजिएगा। कहीं से आती है आपको करनी? नहीं। किसी को कहना कर देगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, मशीन वाले को, दर्जी को बोल देना, उनको आती होती है, ये इनका सामान है तो वो कर देगा, ठीक है। खुश है आप? बहुत। चलिए, आपने नमाज पढ़ के दुआ करनी है। एक हमारी बहुत ही प्यारी फैमिली है, शाह फैमिली, उनके लिए आपने दुआ करनी है, ये मशीन उनकी तरफ से है, ठीक है। अल्लाह उनको बहुत दे, आमीन। और उनके मियां को अल्लाह पाक जन्नत अल फरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। आपने भी नमाज पढ़नी है, अपनी बेटी को भी कहना वो भी नमाज पढ़ेगी। तो कब आ रही है अब आपकी बेटी? अब मैं फोन करके बुला लूंगी इंशाल्लाह ताला। चलें, जब मैं दोबारा आऊंगी इंशाल्लाह आपके घर तो मैं देखूंगी, आपकी बच्ची से भी मिलूंगी, और ज्यादा मदद कर सके तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, ठीक है। मेहरबानी होगी आपकी। चलें, अपना ख्याल रखें, आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। बहुत शुक्रिया शाह फैमिली का, हमारी आंटी का, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत लंबी जिंदगी दे, अल्लाह पाक उनकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। वो बहुत बाहिम्मत हैं और हमें उनसे हिम्मत मिलती है जब वो हमारे साथ बात करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आंटी जी, अल्लाह पाक आपके खामद को जन्नत अलफरदोस में जगह दे, आमीन। हमारी ढेरों दुआएँ हैं आपके लिए, और ये सदका जारिया है, जब तक ये बच्ची मशीन चलाती रहेगी, वो परदेश में है, घर आएगी और घर पर रहेगी, तो सोचें आपको कितनी ज़्यादा दुआएँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताइएगा ज़रूर आज का प्रोग्राम कैसा लगा, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह के हवाले। और आखिर में कहूँगी, अपने आसपास ज़रूर देखें, अगर कोई बच्ची हमारी परदेश जाके मेहनत कर रही है, वो भी रोज़ी रोटी के लिए, तो उनके लिए कुछ आसानी कर दिया करें। जैसा कि वो बच्ची सिलाई सीख चुकी है, उसको सिलाई आती है, अब वो घर बैठे अच्छे से कपड़े सिलाई करेगी और इंशाल्लाह इस हमारी बहन के जो हैं दिन बदलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मगरिब की अजान हो चुकी है, नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़िए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह के हवाले।
हाँ ये इसको ना ऐसे करके बंद कर देना, ये कैंची रखें, संभाल लें और अपनी बच्ची को बुलवाएं। हाँ जी इंशाल्लाह ताला, ये देखें ये बॉक्स होता है साथ में, इसमें होता है ये और ये चीज़ें हैं इसके। ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और आमीन इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाऊंगी जब आपकी बेटी आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आऊंगी। ठीक है मैंने कहा है कि जी आपको कहूंगी जब उसकी शादी होगी ना तो मैं आपको कहाँ पे ढूंढूंगी। आप मुझे कहीं नहीं ढूंढना, मैं आपके आस पास ही हूँ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मैंने बेटी की शादी की है घर में तो मैं उसको सिर्फ दो चारपाई है और बस थोड़े से बर्तन दे सकी हूँ, अभी तक उसकी जिंदगी खराब है। वो कहते हैं आप झोपड़ियों वाले हो, ये वो भाई। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जहेज देना एक लानत है, जहेज देना ही नहीं चाहिए। ठीक है अगर आप ये सोचती हैं ना कि मैं जहेज दूंगी तो मेरी बच्ची का घर बसेगा तो ये गलत सोच है। कभी भी सामान देने से बच्चियों के घर नहीं बसते। मैंने ऐसे ऐसे घर उजड़ते देखे हैं जिनके कमरे भरे पड़े होते हैं सामान से, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना सामान देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी घर नहीं बसता। तो आप ये अपने जहन से सोच निकाल दें, अगर कोई इज्जत करता है ना तो वो बगैर सामान के भी करेगा और आपकी बेटी को खुश रखेगा। बस बेटी के अच्छे नसीब की दुआ किया करें। हाँ इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊंगी जब आपकी बेटी की शादी होगी। ठीक है चलें सही है, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन एकेडमी, कुरान पाक एंड स्कूल ट्यूटर कोर्सेज, बेसिक कायदा कोर्स, कुरान रीडिंग कोर्स, कुरान तजवीद कोर्स, कुरान मेमोराइजेशन, सलाह नमाज, सिक्स कलमास, मसनून दुआ, जनाजा, कुरान एंड स्कूल टीचर्स फॉर किड्स एंड एल्डर्स ऑन व्हाट्सएप, जूम एंड स्काइप, फ्लेक्सिबल टाइमिंग अवेलेबल, 30-मिनट क्लास पर स्टूडेंट, इजी टू लर्न कुरान थ्रू इंटरनेट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवर क्लास विल बी थ्रू व्हाट्सएप, जूम एंड स्काइप फॉर ऑल एजेस।